मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से मौत का तांडव। शहडोल में मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी ने ली 10 मरीजों की जान, अस्पताल प्रशासन ने पुष्टि की। कोरोना संकट के बीच देश में ऑक्सीजन की कमी बन रही है जानलेवा। यूपी, एमपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत, मरीजों को नहीं मिल रही है ऑक्सीजन। दिल्ली में मरीज बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन की कमी हुई। दिल्ली के मंत्री उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने की मांग की। जेईई मेंस देने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर। कोरोना के बढ़ते प्रकोप की वजह से जेईई मेंस की परीक्षा टली। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने दी जानकारी। देश में कोरोना का मौत का तांडव जारी। पहली बार एक दिन में 2.5 लाख से ज्यादा नए केस आए। 2,61,000 नए मामले और 1500 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में फिर टूटा कोरोना का रिकॉर्ड। एक दिन में 24,375 मरीज सामने आए। 167 मरीजों की गई जान। एक्टिव केस 69,000 के करीब। यूपी में एक दिन में कोरोना के 27,357 नए मरीज सामने आए। 120 लोगों की मौत। लखनऊ में सबसे ज्यादा 5,913 कोरोना मरीज मिले। हरिद्वार कुंभ में कोरोना का बड़ा कहर। कुंभ में शामिल 175 और साधु कोरोना पॉजिटिव। अब तक 229 साधु कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। यूपी में कोरोना का जानलेवा कोहराम। गाजियाबाद में कोरोना संक्रमित शवों के अंतिम संस्कार के लिए लगी लंबी लाइन। घंटों करना पड़ रहा है इंतजार। उत्तर प्रदेश में आज पूरी तरह से लॉकडाउन। 15 मई तक यूपी में हर रविवार को रहेगी तालाबंदी। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार दफ्तर रहेंगे बंद। यूपी में दिखी लॉकडाउन की सख्ती। नोएडा, लखनऊ, वाराणसी से आई तस्वीरें। पुलिस सड़कों पर कर रही है कड़ाई। बेवजह घूमने वालों पर हो रहा है एक्शन। यूपी में कोरोना के हाहाकार के बावजूद नहीं मुरादाबाद की सब्जी मंडी में लग रही है भीड़। मुरादाबाद में कल करीब 600 केस आए। महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना से बुरा हाल। कोरोना टेस्टिंग लैब में लोगों की लंबी लाइन लगी। भीड़ लगने से संक्रमण का खतरा और बढ़ा। कोरोना से बिगड़ते हालातों को देखते हुए उत्तराखंड में भी बोर्ड की परीक्षाएं टली। उत्तराखंड में 10वीं की परीक्षाएं रद्द की गई। 12वीं की परीक्षा टाली गई। नोएडा में सेक्टर 18 के गुरुद्वारा ने पेश की नई नजीर। नोएडा में जो लोग कोरोना संक्रमित हैं और अकेले हैं, उनके लिए घर तक खाना पहुंचा रहा है गुरुद्वारा। कोरोना को लेकर शिवसेना का केंद्र सरकार पर वार। सामना में लिखा, कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार ही जिम्मेदार। बीजेपी बोली, केंद्र पर हमला कर अपनी असफलता छुपा रही है उद्धव सरकार। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के खतरे के बीच देहरादून नगर निगम ने लगाया कर्फ्यू। देहरादून में बाजार बंद। सड़कों पर भी भीड़ कम दिखी। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी का अहम आदेश, कुंभ से गुजरात लौटने वाले सभी लोगों को पहले कराना होगा कोरोना टेस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के हालात पर मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ बैठक की। पीएम मोदी ने दवाओं, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और टीकाकरण की समीक्षा की। पीएम मोदी ने अधिकारियों को राज्यों के साथ सहयोग बढ़ाने और जरूरी चीजें मुहैया कराने के निर्देश दिए। दवा उद्योगों को पूरी क्षमता से दवा उत्पादन करने के आदेश भी दिए। अधिकारियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने कहा, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कोरोना बेड बढ़ाने की व्यवस्था और स्थानीय प्रशासन से लोगों के प्रति संवेदनशील रहने को कहा। पीएम मोदी का रेमडेसिविर समेत दूसरी दवाओं के दुरुपयोग और कालाबाजारी पर सख्ती से रोक लगाने के आदेश दिए। पीएम का ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज पीएम मोदी को लिखेंगे चिट्ठी। कोरोना को लेकर सरकार को देंगे अहम सुझाव। कोरोना संकट को देखते हुए राहुल गांधी की अच्छी पहल। राहुल ने बंगाल चुनाव में अपनी सभी रैलियां रद्द की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने सबसे ज्यादा प्रभावित 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। हर संभव मदद का भरोसा दिया। बोले, वैक्सीन की कमी नहीं। अभी कुल 2,084 कोविड अस्पताल, 18 लाख से ज्यादा बेड्स मौजूद।
केंद्र सरकार का कोरोना के इलाज में कारगर रेमडेसिविर को लेकर सबसे बड़ा फैसला, इंजेक्शन की कीमतों में 70% तक की कटौती की। कोरोना संकट पर सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की, कहा सरकार वैक्सीन के लिए उम्र सीमा घटाकर 25 साल करे, कोरोना के इलाज से जुड़े उपकरण दवाइयों को जीएसटी से मुक्त किया जाए। कोरोना संकट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा लिखा शमशान और कब्रिस्तान दोनों, जो कहा सो किया, मोदी मेड डिजास्टर। महाराष्ट्र में रेमडेसिविर इंजेक्शन पर महाभारत, राज्य में ड्रग सप्लाई करने वाले सप्लायर्स को पुलिस ने हिरासत में लिया, पुलिस स्टेशन जाकर फडणवीस ने छुड़ाया, उद्धव सरकार पर सप्लायर को धमकाने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप, बोले केंद्र के कहने पर दवा कंपनियों ने महाराष्ट्र को रेमडेसिविर की सप्लाई रोकी, दवा कंपनियों को लाइसेंस रद्द करने की धमकी दी है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के आरोप में बीजेपी नेता राम कदम का पलटवार, बोले नवाब मलिक सबूत दें, नहीं तो राज्य के लोगों से माफी मांगे और अपना इस्तीफा दें। रेल मंत्री पीयूष गोयल का महाराष्ट्र सरकार पर निशाना, कहा उद्धव सरकार ऑक्सीजन को लेकर राजनीति कर रही है, 110% की क्षमता से ऑक्सीजन का उत्पादन, ऑक्सीजन की कमी नहीं, महाराष्ट्र सरकार भ्रष्ट और अयोग्य। कोरोना संकट को लेकर जूना अखाड़े ने हरिद्वार कुंभ के समापन की घोषणा की, स्वामी अवधेशानंद गिरी ने ट्विटर पर लिखा लोगों के जीवन की रक्षा पहली प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से फोन पर बात की थी, कोरोना संक्रमण के चलते कुंभ को प्रतीकात्मक रखने की अपील की थी। हरिद्वार कुंभ से गुजरात लौटने वालों को कराना होगा आरटीपीसीआर टेस्ट, निगेटिव आने पर ही मिलेगी एंट्री, पॉजिटिव आने पर होना होगा क्वारंटीन। हरिद्वार से मध्यप्रदेश लौटने वालों को जिलाधिकारी को जानकारी देनी होगी, प्रशासन के कहने पर क्वारंटीन होना होगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना पर केंद्र से सहयोग मांगा, कहा दिल्ली में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी, ऑक्सीजन बेड बढ़ाने और रेमडेसिविर की सप्लाई में सहयोग करे केंद्र सरकार। सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान, कहा अस्पताल में बेड खाली होने पर मरीज को नहीं दिया तो होगी कार्रवाई, दिल्ली में बेड्स की कमी नहीं होने देने का दिलाया भरोसा। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 11 छात्र कोरोना पॉजिटिव, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों से हॉस्टल खाली करने की अपील की। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 67,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हुए, 419 लोगों की जान गई, मुंबई में 8,834 मरीज मिले, 50 की मौत। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में लॉकडाउन बढ़ाया गया, रायपुर और जशपुर में 26 अप्रैल तक, कोरबा और रायगढ़ में 27 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन। मध्यप्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, बड़वानी, रतलाम और राजगढ़ में लॉकडाउन बढ़ाया गया, 26 अप्रैल तक रहेगी तालाबंदी। एमपी की राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में 850 से ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी, पुलिस जांच में जुटी, पुलिस को किसी कर्मचारी के मिलीभगत का संदेह। बिहार में कोरोना के हालात पर सीएम नीतीश कुमार आज सभी डीएम और एसपी के साथ करेंगे बैठक, कल राज्यपाल फागू चौहान की अगुवाई में हुई थी सर्वदलीय बैठक। बिहार में कोरोना मामलों का टूटा रिकॉर्ड, 24 घंटे में 7,870 नए मरीज सामने आए, सिर्फ राजधानी पटना में करीब 1900 नए कोरोना मरीज। दूसरे राज्यों से बंगाल जाने वालों को कराना होगा आरटीपीसीआर कोरोना टेस्ट, सीएम ममता बनर्जी बोली बंगाल में करीब 10,000 बाहरी लोग जिनमें ज्यादातर कोरोना पॉजिटिव। राजस्थान सरकार का कोरोना टेस्ट को लेकर बड़ा फैसला, आरटीपीसीआर टेस्ट की कीमत 500 रुपए से घटाकर 350 रुपए। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हुई कोरोना पॉजिटिव, तबीयत बिगड़ने के बाद मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कोरोना संक्रमित हुए, ट्वीट कर संपर्क में आए, लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की। बॉलीवुड पर कोरोना वायरस का अटैक, अभिनेता सोनू सूद, अर्जुन रामपाल और नील नितिन मुकेश हुए कोरोना संक्रमित।
छत्तीसगढ़ में रायपुर के निजी कोविड अस्पताल में आग लगने से 5 मरीजों की मौत। अस्पताल में 50 कोरोना मरीज भर्ती थे। सीएम भूपेश बघेल ने मरने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। रायपुर के कोरोना अस्पताल में आग से मच रही अफरा तफरी। भर्ती सभी मरीजों को सुरक्षित निकाला गया, दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। रायपुर के अस्पताल में आग लगने से डरावना मंजर। कई मरीज जिन्हें ऑक्सीजन लगी थी उन्हें काफी देर तक कार और एम्बुलेंस में ऑक्सीजन लगाकर बैठना पड़ा। पश्चिम बंगाल में हिंसा के छिटपुट घटनाओं के बीच 5वें दौर का मतदान हुआ। 6 जिलों की 45 विधानसभा सीटों पर कल 78% से ज्यादा मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बीच नहीं थम रहा हिंसा का दौर। नदिया के शिमरुली में बीजेपी कार्यकर्ता का शव बरामद, परिवार ने टीएमसी पर लगाया आरोप। बंगाल में 6वें दौर का प्रचार जारी। गृहमंत्री अमित शाह आज 2 रोड शो और 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। संगठन की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। सीएम ममता बनर्जी आज रोड शो और 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। टीएमसी सांसद और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की भी मुर्शिदाबाद में 3 रैलियां। फिल्म अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन भी चुनाव प्रचार में लगाएंगे जोर। रोड शो और 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। बंगाल में मतदान के बीच पीएम मोदी का आसनसोल की रैली में ममता बनर्जी पर हमला, बोले दीदी का पत्ता साफ हो गया है। बंगाल में शीतलकुची की घटना पर ममता बनर्जी के कथित ऑडियो टेप मामले ने पकड़ा तूल। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। ममता बनर्जी ने ऑडियो टेप को लेकर सरकार को घेरा, कहा क्या केंद्र सरकार मेरे फोन को इंटरसेप्ट कर रही है, ये मेरी निष्ठा पर हमला है, पीएम मोदी इस्तीफा दें। ममता बनर्जी के कथित टेप मामले पर टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा बोले वोटरों को प्रभावित करने के मकसद से टेप रिलीज किया गया, टेप बीजेपी आईटी सेल ने रिलीज किया, इस पर कानूनी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेंगे। नदिया में गृहमंत्री अमित शाह ने कथित ऑडियो को लेकर ममता बनर्जी पर बोला हमला, कहा अरे दीदी शर्म करो, मृतक लोगों पर राजनीति करना चाहती हो। वर्धमान में अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले राहुल बाबा ने यहां पूछा कि बीजेपी का डीएनए क्या है, बोले पहले इटली का संस्कार छोड़ो तब आपको भारत के डीएनए का पता चलेगा। उत्तर 24 परगना के कमरहाटी से बीजेपी उम्मीदवार राजू बनर्जी की कार पर हमला, बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया हिंसा फैलाने का आरोप। नदिया के कल्याणी में बमबारी, हमले में बीजेपी का एक समर्थक घायल, बीजेपी का टीएमसी पर आरोप। शांतिपुर इलाके में फायरिंग में एक टीएमसी कार्यकर्ता घायल, बीजेपी पर गोली चलाने का आरोप। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर का विधानसभा चुनाव रद्द, आरएसपी उम्मीदवार प्रदीप नंदी की कोरोना से मौत के चलते चुनाव आयोग का फैसला, 26 अप्रैल को होना था मतदान। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, गरीबों के लिए मुफ्त अनाज योजना फिर शुरू करने की मांग की, कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उठाई मांग। करीब 3.5 साल बाद चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू यादव को जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। लालू को दुमका कोषागार मामले में मिली जमानत। लालू यादव को जमानत मिलने के बाद पटना में राबड़ी आवास पर जमकर मना जश्न, मिठाइयां बांटी गई। तेज प्रताप भी तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे। लालू प्रसाद यादव की जमानत पर बोले बीजेपी सांसद सुशील मोदी, कहा जमानत दोषी मुक्त नहीं, आरजेडी कोरोना काल में इसे जश्न और राजनीतिक अवसर ना बनाए। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, आंदोलनकारी किसानों के साथ फिर से बातचीत शुरू करने की अपील की। दिल्ली हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू फिर गिरफ्तार, लाल किले में तोड़फोड़ को लेकर पुरातत्व विभाग की एफआईआर पर पुलिस ने पकड़ा। शनिवार सुबह 30 जारी कोर्ट से मिली थी सशर्त जमानत। पंजाब में जाट महासभा के अध्यक्ष ने पटियाला में नए दफ्तर का उद्घाटन किया, बोले राज्य के किसानों और उनके बच्चों को बचाना है, अफीम की खेती होनी चाहिए लेकिन सरकार के नियंत्रण में। पंजाब में युवाओं को नशे से बचाने के लिए पुलिस की मदद के लिए आगे आई पंचायतें, अगर कोई व्यक्ति नशे का सामान बेचते हुए पकड़ा जाता है तो पंचायतें नहीं करवाएंगी जमानत।
उत्तराखंड के विकासनगर में बारिश बन गई आफत, सेब के पेड़ों को भारी नुकसान, सब्जी की फसल भी बर्बाद हुई। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में अब भी जारी है बर्फबारी, ढंगरिया से आई तस्वीरें, बर्फ ही बर्फ दिख रही है। एमपी के बड़वानी में दर्दनाक हादसा, कुएं में वैन गिरने की वजह से दो लोगों की मौत हुई। हरियाणा के जींद में दिल दहलाने वाले हादसे की तस्वीरें हुई वायरल, कार और ट्रक की टक्कर में कार के परखच्चे उड़े, कार चालक की मौत हुई। उत्तराखंड के चमोली में दर्दनाक हादसा, कार नदी में गिरी, 5 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक कंपनी में ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग, ब्लास्ट में 4 लोग जख्मी हुए, दमकल विभाग आग बुझाने में लगा। यूपी के बुलंदशहर में आम के पेड़ से लटके शव मिलने के मामले में पंडावल के चौकी इंचार्ज समेत 8 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज, मृतक व्यक्ति के परिजनों ने लगाया है हत्या का आरोप। एमपी के डिंडोरी में बाइक चोरी के आरोप में नाबालिग को भीड़ ने दी तालिबानी सजा, बच्चे को नंगा कर घसीट घसीट कर पीटा, परिजनों की शिकायत पर पुलिस का रहा उदासीन रवैया, मामूली धाराओं में दर्ज किया मुकदमा। बिहार में सुशासन बाबू के राज में अपराधियों के हौसले बुलंद, कैमूर में खनन पदाधिकारी पर बालू माफियाओं ने लाठी तलवार से किया हमला, किसी तरह जान बचाकर भागे अधिकारी, पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। झारखंड के जमशेदपुर में सनसनीखेज हत्याकांड का आरोपी दीपक गिरफ्तार, वेब सीरीज की कहानी के प्रभाव में ट्यूशन टीचर समेत पत्नी और 2 बेटियों की थी हत्या। आज विदेश दौरे पर यूएई पहुंचेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी यूएई में मौजूद हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।